अमेरिकी मॉडल लियोन स्वीडन इसकी उम्र 33 वर्ष का शव 2003 में काशीमीरा पुलिस थाने की सीमा के पास मिला था। अपहरण और हत्या मामले में आरोपी विपुल पटेल को पुलिस ने यूरोप से इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। मीरा बंदर वैसे विरार पुलिस कमिश्नरेट की एक टीम यूरोप गई हुई है और पुलिस 27 मई को आरोपियों को लेकर वापस आएगी। 8 फरवरी 2003 को मुंबई हवाई अड्डे पर लियोन स्वेडिस्की का अपहरण कर लिया गया था और साथ में उसकी हत्या भी कर दी गई थी। आरोपी ने शव को काशीमीरा थाना परिसर में फेंक दिया था। इस घटना ने कोहराम मचा दिया था। अमेरिकी सरकार ने हत्याओं को गंभीरता से लिया था। उस समय FBI की एक टीम भारत भेजी गई थी। पुलिस ने लियोन के प्रेमी अनिवासी भारतीय प्रज्ञेश देसाई और अन्य को गिरफ्तार किया था। मामले के मुख्य आरोपी प्रज्ञेश देसाई को बड़ौदा से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। हालांकि विपुल पटेल को एक इंग्लैंड में होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इंटरपोल की मदद ली। इंटरपोल की खोज से पता चला है कि पटेल चेक गणराज्य में थे। पटेल को इंटरपोल ने प्राग हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया था। कमित काले पुलिस उपायुक्त सर्कल 1 संजय हजारे वरिष्ठ निरीक्षक काशीमीरा पुलिस स्टेशन के साथ आरोपियों को लाने के लिए भेजा गया था। आरोपी को 27 मई को स्वदेश लाया जाएगा। विपुल पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी फरार थे। फास्ट ट्रैक मुकदमा 1 साल के भीतर अदालत के बाहर सुलझा लिया गया था, लेकिन दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया था। अमेरिकी सरकार ने अपराध को गंभीरता से लिया है। मीरा भंडार शहर में नगर पालिका ने 16 इमारतों की सूची सौंपी है जो बेहद खतरनाक हैं और जर्जर हालत में है। आयुक्त दिलीप ढोले ने 5 मई को बैठक बुलाकर इन खतरनाक इमारतों को मॉनसून से पहले यह आदेश दिया कि उन्हें खाली करवाया जाए। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और आयुक्त के आदेश को खारिज कर दिया है। मीरा भंडार की इमारतें 30 साल से अधिक पुरानी है और वे खतरनाक भी होती जा रही है। बारिश के मौसम में इमारतें गिर सकती हैं, जिससे रहने वालों की जान को खतरा हो सकता है। 5 मई को शहर की खतरनाक इमारतों पर चर्चा हुई थी। इस चर्चा के दौरान सरकार और कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार बारिश के मौसम से पहले इस खतरनाक इमारत के अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आयुक्त ने निर्देश दिया था कि निवासियों को सुरक्षित निकाल कर बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई की नहीं गई है। इससे यही मालूम पड़ रहा है कि नगर पालिका के अधिकारी जर्जर बिल्डिंग को लेकर गंभीर नहीं है। मीरा भंडार नगर पालिका ने एक देरी से ही सही लेकिन बहुत ज़रूरी कदम उठाते हुए आखिरकार अपने स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को मजबूत और उन्नत करने के लिए कमर कसी है, ताकि मीरा भंडार शहर के निजी अस्पतालों के समान गुणवत्तापूर्वक उपचार प्रदान किया जा सके। अस्पतालों में राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा भंडार में भारत रत्न स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल की बागडोर संभालने के बाद MBMC को मीरा रोड में भारत रत्न इंदिरा गांधी अस्पताल और मीरा भंडार शहर में 10 ऐसे स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान देने के लिए आगे कदम बढ़ाया है, जबकि अस्पताल मातृत्व मामलों और मामूली स्वास्थ्य मुद्दों को पूरा करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाएं काफ़ी हद तक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण अभियान जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन तक सीमित है। जनशक्ति और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन रोगियों को आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में विफल रहते हैं जो बड़े पैमाने पर समाज के निचले आर्थिक स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। MBMC के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार मीरा रोड में अस्पताल के बिस्तर की संख्या 50 से बढ़ाकर 150 की जाएगी। इसके अलावा 4th मंजिल पर मल्टी स्पेशलिटी सेवाएं शुरू करने के अलावा, जिसमें अच्छी तरह से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर भी शामिल होंगे, गहन देखभाल इकाइयों, नवजात गहन देखभाल इकाई और जटिल प्रसव से निपटने के लिए एक समर्पित आपातकालीन टीम बनाई जाएगी। मीरा रोड अस्पताल में सुविधाओं के उन्नयन के अलावा हमारा जोर PHC के मानकों को बढ़ाने पर है, जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु है। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। नगर पालिका आयुक्त दिलीप ढोले ने यह कहा है। उप नगर प्रमुख संजय शिंदे ने कहा है कि हम PHC के निर्माण के लिए उपयुक्त आरक्षित भूखंडों की पहचान कर रहे हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए मिशन अधिकारियों को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM के मानदंडों के अनुसार जो 50,000 की आबादी के लिए एक PHC को अनिवार्य करता है, मीरा भंडार शहर को 10 और केंद्रों की आवश्यकता है। इसके अलावा 10 मौजूदा PHC में से केवल 4 ही NUHM मानदंडों के लिए योग्य है। अब देखना यह है कि क्या मीरा भंडार में इस तरह के काम होंगे या फिर ये चुनाव आने के लिए एक सपना दिखाया जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।